सो ऑल राइट, वेलकम टू डिजिपैक्स। एंड आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा, अगर आप ये चीज़, ये डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स आप समझ जाते हो तो आप एक डिज़ाइनर बन सकते हो। आपने वो डिज़ाइनर की पहली सबसे मुश्किल सीढ़ी पार कर ली है, अब आप ऑलमोस्ट डिज़ाइनर बन जाओगे। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जो क्वालिफाइड डिज़ाइनर्स और एक जो बेहतर डिज़ाइनर होते हैं वो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ऑल दो ट्रेंड्स थोड़े से चेंज होते रहते हैं पर इनके आसपास ही घूमते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो बिल्कुल आप एक पक्के डिज़ाइनर। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो मैं आज आठ प्रिंसिपल्स पे बात करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रहा हूँ और सारे एग्जाम्पल मैंने खुद बनाए तो मेरे को चीज़ें पता है और मैं समझाते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर बैलेंस एंड अलाइनमेंट। तो स्ट्रक्चर बैलेंस और अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर बैलेंस का मतलब है कि आप किसी स्ट्रक्चर को एक परफेक्ट वे में बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब ही होता है कि वो परफेक्ट है। अलाइनमेंट का मतलब होता है जमा हुआ, ठीक है। अगर किसी चीज़ में वो जमा हुआ है, जैसे कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, पूरा जो टेक्स्ट है ना वो एक मार्जिन के थ्रू जमा हुआ है, बिल्कुल जमा हुआ है। मैं भी कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिख रहा है और एक जो रेक्टेंगल है बाहर स्ट्रोक वो भी बिल्कुल अलाइन हुआ हुआ है। तो ये कंप्लीट, आप किसी भी डिज़ाइन पे काम करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो अलाइन होना चाहिए। ऑल दो डिज़ाइन कभी कभी थोड़े से चेंज होते हैं ट्रेंड पर, मोस्टली बड़े बड़े जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो ऑलमोस्ट उन चीज़ों के आसपास ही घूम रहे होते हैं, उनको वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगती है। सेकेंड थिंग, ब्रीदिंग स्पेस। ब्रीदिंग स्पेस के अंदर हम कोई नेगेटिव स्पेस छोड़ देते हैं, लाइक यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों में कुछ जगहें छूटी हुई, ऊपर टॉप में भी आप देख रहे हैं कुछ जगहें छूटी हुई। इसका मतलब ये कि हम एक कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक स्पेस छोड़ते हैं ताकि एक डिज़ाइन जो एक बेहतर सिचुएशन में नीट एंड क्लीन लग सके, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू थर्ड थिंग। सो यहाँ पे तीसरी चीज़ है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट के अंदर, कॉन्ट्रास्ट सबसे पहले होता क्या है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कोई अपोजिट चीज से किसी चीज का परसेप्शन को हाई रखना, ठीक है। अब आप इस डिजाइन में देख रहे हैं जो एंथुजियास्टिक है, तो एंथुजियास्टिक वर्ड है उसको हाई प्रेसिडेंस में रखा गया, उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ किसके थ्रू, अपोजिट कलर के थ्रू। लाइक सब कुछ ब्लैक है, थीम कंप्लीट ब्लैक पे चल रहा है, मैंने एंथुजियास्टिक को रेड कर दिया तो एक अलग से चीजें हाईलाइट होती हुई दिख रही है, तो ये चीज है कॉन्ट्रास्ट। फोर्थ थिंग, एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज में बहुत जोर देते हो, बहुत किसी चीज को बहुत हार्डली बता रहे होते हो कि सबसे पहले ये देखो, इस चीज को पहले समझो, किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे होते हो, जैसे कि आप इस डिजाइन के अंदर देखो, हम लोग हैंडशेक को बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप हाथ पे, सबसे पहले आप इमेज पे क्या देखोगे इस डिजाइन के अंदर, सबसे पहले आप हाथ ही देखोगे, हैंड चेक करते हो, देन आप नीचे की चीजों को पढ़ोगे। तो हमने जोर किस पे दिया? हाथ पे लगे। तो ऐसे आप बहुत सारे डिजाइन बनाओगे जिसमें आप अलग अलग चीजों को अलग अलग वे में एम्फेसाइज करते रहोगे, है ना। जैसे कि आप अलग डिजाइन बनाते हो, उसमें अगर वो किसी ऑटो का डिजाइन है तो आप ऑटो पे सबसे पहले जोर दोगे, फिर टेक्सचर चीजों पे। तो ये चीजें हैं एम्फेसाइज, मतलब किसी चीज पे अगर जोर देना है तो हम इस डिजाइन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। फिफ्थ हमारे पास है नेविगेशन। नेविगेशन थ्रू द पाथ। तो आप देख रहे हैं इस डिजाइन के अंदर सबसे पहले ए और एम गौर होगा, बिल्कुल गौर होगा, क्योंकि वो येलोइश में है और उसका प्रेसिडेंस बहुत हाई है, ठीक है। उसके बाद इमेज के बाद एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम के बाद डिस्क्रिप्शन, देन नीचे लिंक और देन एक्शन। तो ये नेविगेट कर रहे हैं हम, जो सामने वाला व्यूअर है ना उसको ग्राफिक के थ्रू नेविगेट कर, सबसे पहले हम एम को दिखाएं, या फिर हो सकता है कुछ लोग पहले इमेज को देख लें, फिर एम को देख लें, फिर एम्स्टर्डम को देखें, फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, या फिर सीधा आ जाए लिंक पे या एक्शन पे, उनको शायद समझ में आ जाए तो उनको डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हम व्यूअर की आंखों को, एक आई साइट को हम इधर से उधर मूव करा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिजाइन एक नेविगेशन का डिजाइन है, नेविगेट कर रहे हैं लोगों के आई को, उसके आई साइट्स के साथ हम लोग खेल रहे हैं।
तो ये एक नेविगेशन होता है, ये एक नेविगेशन का अलग प्रिंसिपल है, आप अलग अलग डिजाइन पे अलग अलग तरीके से नेविगेशन को यूज कर रहे होते हो। तो ये रहा सिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेशन। रिपीटेशन किसी डिजाइन के अंदर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप कलर चूज करते हैं। बहुत सारे आज का जो ट्रेंड है वो रिपीटेशन पर बहुत काम करते हैं। बहुत सारे जो ब्रांड के पोस्टर्स, बैनर्स एंड जितने भी आप ग्राफिक, मोशन ग्राफिक, सबके अंदर ना रिपीटेशन बहुत बहुत तेज काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी चीज़ रिपीटेशन के अंदर का मतलब है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं रिपीटेशन। और रिपीटेशन का प्रिंसिपल आप इस डिज़ाइन के अंदर भी देख रहे हैं। सबसे पहले इमेज, इमेज, इमेज के बाद उसके बाद स्ट्रोक का उसका इमेज, फिर लास्ट में है बैकग्राउंड में ब्लेंड किया हुआ एक ओपेसिटी कम वाला इमेज। उसके बाद सेकंड चीज़ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नीचे लिखा हुआ है टाइटल पे, फिल टाइटल पे, फिर भी हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बड़े स्ट्रोक वाले टेक्स्ट के साथ। तो ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम लोग, किसी चीज़ के पावर को बढ़ाते हैं, उस चीज़ आँखों को जोर लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ। तो एक रिपीटेशन से ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और मैनिपुलेट बन जाती है। मैनिपुलेट मतलब वही वही चीज़ को आप बार बार किसी चीज़ को दिखाते हो ना, तो बंदे ने गौर कर जाना है, व्यूअर ने गौर कर जाना है। तो कभी कभी नहीं, मोस्टली मोशन बैनर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और स्टैटिक बैनर्स में बहुत 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 ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा पर मोस्टली बैनर्स में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये रहा रिपीटेशन। एंड नंबर सेवन, इस दुनिया का, इस ग्राफिक की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, टाइपोग्राफी। जब तक आपकी फॉन्ट आपके डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, आपका डिज़ाइन बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं। आप डिज़ाइन बनाओगे ना जोर ही नहीं आएगा, और व्यूवर्स ना कैच नहीं कर पाएंगे चीज़ों, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपका खुद का बैनर आपका डिज़ाइन कनेक्ट नहीं कर रहा होगा एक दूसरे के साथ। कैसे? आप इस वाले डिज़ाइन के अंदर देखें, इस वाले डिज़ाइन में एक जिम करता हुआ बंदा है, ठीक है, इसे समझ में आ गया कि ये जिम का बैनर है आसपास, पर आप टेक्स्ट यहाँ पे क्या यूज़ किया? मैंने एक टेक्स्ट ऐसा यूज़ किया है जो उस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक इम्पैक्टफुल टेक्स्ट यूज़ किया जो कि लाइक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है जिम के लिए। और मैंने बाकी जो लिंक और जितना रजिस्टर के लिए जो दिया है ना चीज़ें, वो मैंने वो चीज़ को नहीं रखा है, मैंने उसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कराया, सिर्फ उसी चीज़ को जोर देने ताकि वो डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करे। और ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इन चीज़ों को समझ गए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बैनर के या फिर किसी भी डिज़ाइन के फील को पहले समझो, वो किस फील में है, ठीक है, वो किस इमोशन के थ्रू आ रहा है, उसकी इमोशन को डिलीवर करना चाहते हैं। अगर ऑब्वियसली अगर कोई बोलूँ तो लवफुल बैनर है, उसके अंदर आप यूज़ कर दिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा कोई बोल्ड सा तो फॉन्ट, तो फिर वो गड़बड़ हो गया। कोई आईटी कंपनी है, वहाँ पे आप कर्सिव यूज़ कर रहे हो, तो आईटी कंपनी के बैनर में, तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर दिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना ज़रूरी है, उसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी जगह पे। आप जब आप चीज़ें देख रहे होंगे ना, डिज़ाइन को समझना शुरू करेंगे ना, उस वे में देखना शुरू करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने का समझने के लिए। एंड सबसे लास्ट, विजुअल हायरार्की। तो विजुअल हायरार्की है क्या? हायरार्की का मतलब होता है कि आप सबसे चीज, सबसे पहले कौन सी चीज़ को दिखाना चाहते हो, प्रेसिडेंस, महत्व, इस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस रखना चाहते हो। इस पोस्ट के अंदर आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है एक डिप्रेशन का, राइट, डिप्रेशन का, उसके बाद इमेज का, उसके बाद सेकंड जो हेडलाइन नंबर टू है, टाइटल नंबर टू है, उसके अंदर फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मैंने ये सारी चीज़ें करी हुई है इस डिज़ाइन पे, वो है विजुअल हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि क्रम, कौन सा कितना, फर्स्ट में आप किस चीज़ को रखोगे, सेकंड में आप किस चीज़ को रखोगे, थर्ड में आप किस चीज़ को रखोगे, जैसे होता है ना मंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर ये मंत्री, वो मंत्री, मेरे को हिसाब से, मेरे इतना नॉलेज नहीं है पर मेरे हिसाब से, तो वो हायरार्की होती है। आप डिज़ाइन में भी इस चीज़ को फॉलो करते होते हैं,
ऑल्दो ये कॉमन सेंस की चीज़ है, पर डिज़ाइन में अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं तो आपका डिज़ाइन यार वेल टू वेल बनने वाला है, बिल्कुल आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की तरह काम करो। और अगर आप ये काम करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हो ना, सेलेक्टिव, कम्प्लीटली सेलेक्टिव पोर्टफोलियो होगा। तो ये रहे वो आर्ट प्रिंसिपल्स जो मैं आपको बताना चाहता था। मेरा बस इस मोटिव ये है ये इस वीडियो का कि अगर आप मेरे चैनल से डिज़ाइन के बारे में कुछ भी सीखें तो प्रॉपर नॉलेज लीजिए। एक आप कहीं भी जा रहे हैं अगर आप अपने ग्राफिक डिज़ाइन के जितने भी चीज़ों को लेके जाओगे, कहीं भी जाओगे, प्रोफेशनल होके जाना और सारी चीज़ों को प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आया बता दूंगा हाँ फोटोशॉप खोले ये वो, टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डिज़ाइन को कितना समझते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ समझने लग गए तो आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। और इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में मेरे को 2 से 3 दिन लग गए, जबकि पीछे त्यौहार भी था, सब कुछ था। तो इस वीडियो में बहुत मेहनत हुआ है। मेरे मोटिवेशन के लिए अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। मैं पैसे वैसे बिल्कुल नहीं मांगता हूँ, मेरा डिज़ाइन चैनल बिल्कुल फ्री है। जॉब के साथ मेंटेन करना, ऊपर से खुद के पोर्टफोलियो पे काम करना, वीडियोस बनाना, सिखाना और उसके ऊपर रिसर्च भी करना, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, पर्सनल लाइफ भी है तो मेंटेन करते हुए करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो बस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, उसके दिन नहीं जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या इन टॉपिक्स पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट पे ज़रूर करें, कमेंट बिल्कुल फ्री है, कमेंट में ज़रूर बताएं। या फिर कोई भी चीज़ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।